चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाना क्षेत्र में लगने वाले एसॉर्ट क्लब में बम की सूचना के बाद पुलिस विभाग में भगदड़ मच गई, जिसके बाद मौके पर कई आलाधिकारी, थाना पुलिस, दमकल विभाग और बम डिटेक्शन स्क्वाड टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले क्लब में सभी लोगों को बाहर निकाला और फिर सर्च अभियान शुरू कर दिया। लगभग एक घंटे तक चले इस सर्च अभियान के बाद पुलिस को क्लब से कुछ भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, तब जाकर पुलिस की सांस में सांस आई। एसॉर्ट क्लब के मैनेजर को आई थी एक कॉल और क्लब में 3 बजे पर बम होने की दी गई थी जानकारी, जिसके बाद क्लब मैनेजर ने इसकी जानकारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह को दी और मनिंदर सिंह ने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद क्लब में जाकर जांच पड़ताल की। बहरहाल पुलिस को एसॉर्ट क्लब में कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने मैनेजर को आई हुई कॉल के नंबर को ट्रेस करना शुरू कर दिया है और जल्द ही इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर ये कॉल क्यों और किस लिए की गई थी। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। सर साहब, क्या सूचना मिली थी अभी तक और कहाँ पे थी और क्या कुछ हुआ है अभी तक? सर, हमारे 26 सेक्टर में 80 नंबर 51 में एसॉर्ट नाम से क्लब है, उसके मैनेजर ने कॉल करी थी पुलिस स्टेशन के अंदर कि मुझे किसी अननोन नंबर से कॉल आई है कि तुम्हारे यहाँ पे 3:30 कोई बम है। तो इस कॉल के लिए हमने अपने सीनियर अफसर को बताया, कंट्रोलों को बताया, बता कर आके हमारी जितनी भी बम निरोधक टीमें हैं सभी ने आकर इसको कोऑर्डिनेट करके इसकी चेकिंग करी है सारी। इसको अभी चेकिंग हमारी मोर ओवर कम्प्लीट हो गई है, ऐसी हमें कुछ संदिग्ध चीज मिली नहीं है। मोर ओवर ये कॉल कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सर, जांच में भी तो कुछ सामने आया है कि कहाँ से कॉल या क्या कुछ है, उसके बारे में हम अभी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले हमारी प्रॉपर्टी यही थी कि पहले जहाँ प्लेस होगा तो उसको चेक करें, वहाँ पर ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो हमने सारी हमारी बम स्क्वाड ने भी चेक कर लिया है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली।